अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों पर सलामती हो, आप लोगों के बर्ड्स पर सलामती हो, आप लोग ठीक रहें। प्लैनेट ऑफ एनिमल्स के ऊपर वेलकम। जो से भाई नए इस चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो आज के जो से वीडियो का टॉपिक है वो है बर्ड्स की प्राइस के ऊपर, ठीक है। जो फिलहाल बर्ड्स की प्राइस क्या चल रही है मार्केट के अंदर, और इंशाल्लाह और आप लोगों के लिए सरप्राइज भी कि अब इंशाल्लाह मैं रोज़ाना मतलब वीक में एक दफ़ा जाया करूँगा अपने एरिया की शॉप्स पे, बर्ड शॉप्स पे, और वहाँ से आपसे उनका रेट लेके आप लोगों को दिया करूँगा। तो चलें आज के जो से बर्ड्स का जो से मेरे पास बर्ड्स हैं इनका मैं रेट शेयर करता जाता हूँ। जो बर्ड जिसका सिंगल है ये आपको 300 से 350 बड़ा मेल जो सा अडल्ट है पीस वो आप मिल जाएगा, और जो बच्चा है पट्ठा है जो सा बर्जिस का वो आपको 200 से 250 के बीच में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप पेयर लेंगे इसका तो 650 से 700 के बीच में आपको बड़ा पेयर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अडल्ट बर्जिस का। और आप अगर इनके पट्ठों का पेयर लेंगे तो इनका बर्जिस का मिल जाएगा 500, 450 से 500 तक, ठीक है, मतलब बर्जिस के जो एज के लिहाज से पट्ठों के अंदर। तो ये आज आपसे एक शेयर करनी थी, और रिंग नेक का भी आपसे शेयर करते जाते हैं जो उनसे मतलब मेरे फिलहाल अंदर है ये दोनों। ये जो उनसे रिंग नेक का जो सा मेल है ना, इसका जो उनसे चल रही है प्राइस वो इस टाइम 5000 से 6000 के बीच में है सिंगल की। और जो सा इसकी फ़ीमेल है रिंग नेक की वो, और ये जो उनसे रिंग नेक की फ़ीमेल है मतलब ये फ़ीमेल अभी कंफर्म होगी, ये भी इंशाल्लाह एक सरप्राइज है आपको मैं बताऊंगा। और ये अडल्ट फीमेल है बिल्कुल कंफर्म है, फ़ीमेल के अंदर आपके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो ये कंफर्म फ़ीमेल होगी। हमने इसका एक आपको मैं तरीका बताऊंगा और बताऊंगा मुझे कहाँ से पता चला। तो चलें इसके प्राइस के ऊपर आते हैं। जो फ़ीमेल है ना इसकी 3500 के बीच में, 3000 से लेके 3500 के बीच के अंदर आपको फ़ीमेल मिल जाएगी, ठीक है, अडल्ट बड़ी। और अगर आप इनके जो सा पेयर अगर आप बड़ा पेयर लें तो रिंग नेक का अगर बड़ा पेयर लेते हैं तो आपको 10 से 12000 के बीच के अंदर अंदर इसका पेयर लगा हुआ मिल जाएगा। अगर कोशिश कर रहे हैं अगर आपकी कोई ट्रस्टेड मतलब भरोसेदार कोई दुकानदार या कोई जो जनरल जो ब्रीडर हैं उनसे अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने जिनसे लिया था पेयर तो वो पेयर नहीं था, पट्ठा था जो अडल्ट हुआ बाद में, और एक उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसे लिए लें बर्ड्स ऐसे बंदों से अगर आपने पेयर लेना है, ठीक है, तो जो उनसे बाउंडेड पेयर हैं जो पहले ही बने हुए हैं तो यही बेहतर है कि आप इनसे जाके किसी ट्रस्टेड बंदे से लें। और दूसरी बात, अगर मेरा तो यही मानना है कि आप ना पेयर ना लें उस सूरत में अगर आपके पास कोई भी ट्रस्टेड बंदा नहीं है, कोई भरोसे वाला नहीं है जिससे आप लें, ठीक है, आप सिंगल पीस ले लें, बच्चे ले लें, पट्ठे ले लें, उन्हें बड़ा करें और उनके पेयर लगाएं। और पट्ठों के अंदर जल्दी पेयर हो जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि वो कट्ठे बड़े ढेर सारे छोड़ दें, उनमें जो पेयर बन जाए उनको लादा कर लें और बाकी पीसों को आप बेच दें जब वो अडल्ट हो जाए, ठीक है। पट्ठों के अंदर इनके पट्ठे लें और पट्ठों की पेयर करें, पट्ठों के पट्ठों जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा जल्दी पेयर बन जाते हैं। तो उनका जो सा रिंग नेक का था मैंने बताया इनकी प्राइस वो जो पेयर की है वो 10 से 12000 के अंदर है। और रिंग नेक के पट्ठों की बात करते हैं, इनके जो से पट्ठे हैं ना वो 3000, 2000, 4000 इस तरह, ठीक है, हर एरिया की मुख्तलिफ है, मतलब एज वाइज भी इनके अंदर फ़र्क आता जाता है, ठीक है। जो रिंग निकाल रहा होता है वो मेरे ख्याल से ख्याल नहीं बल्कि पक्का 4000 का होता है, उससे जो नीचे होते हैं मतलब जो रिंग वाले नहीं होते 6 महीने से साल के बीच के अंदर जो होते हैं वो आपको 2000 से 3000 के बीच के अंदर अंदर मिल जाता है, ठीक है। फीमेल के अंदर भी इसी तरह ही है, मेल और फीमेल के पट्ठों का रेट एक ही होता है। तो चलें इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।